Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is in order. This video is D Pharma first year student subject is a pharmacognosy. Okay, तो देखिए उस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लैक्सेटिव टॉपिक यूनिट है और एलओए सेना के बारे में डिस्कस कर लिया गया है. ये आइसोफ्यूगिया के बारे में रह गया जिसे इस सब गोल की भूसी कहते हैं, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टॉपिक हम लोग पहुँच चुके हैं इस सब गोल जो टॉपिक है उस पर, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कैसे लिखना है ये बताते हैं. तो देखिए इनके सेनोनिम्स क्या हैं, इस सब गोल एंड इस सब गोल, इनके इस सब ग्यूल, इस सब गोल और इस सब गोल. तो ये अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस है नाम में, बस और कुछ नहीं है. और इनका बॉटनिकल सोर्स क्या है, यह पैलेंटा गोवेट फ्लेक्स पैलेंटा इंडिकेट लिनिन लीन एंड पैलेंटा गो फाइसिलियम नामक प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं. ओके ड्राइड एंड राइप पौधे होते हैं, ड्राई एंड पके हुए, राइप मतलब पके हुए बीज होते हैं जहाँ से ये हम लोग को प्राप्त होते हैं जिस प्लांट से. ओके और आपको यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कि इनकी फैमिली की हेडिंग डालनी है. और इनकी फैमिली देखिए प्लांटा जीनेसिस. ओके ये इसकी फैमिली है, इसको ज़रूर अलग हेडिंग में लिखेगा. और अगर आपको नहीं पता है कि आपके एग्ज़ाम की कॉपियां कैसे मिलेंगी, तो आपको एग्ज़ाम की कॉपियां बिना लाइन वाली मिलेंगी, सादी कॉपियां. तो आप अभी से अपनी प्रैक्टिस करके रखिए कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं, और सीधी लाइन में लिखने की अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है. और इनके यूजेस देखिए कहाँ कहाँ होते हैं, बहुत सारी जगह इनके यूज़ होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है ये. तो इनका यूज़ होता है हक्स के रूप में, कब्ज़ को दूर करते हैं, और बल्क लैक्सेटिव की तरह इनका इस सब गोल का यूज़ किया जाता है. ओके और सेकंड नंबर पॉइंट है, इस सब गोल हस डायरेटिक डिसेंट्री एंड आंतों के अल्सर में बहुत ही उपयोगी होती हैं ये इसबगोल. ओके और थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसबगोल के बीज डायूरेटिक एंड पाचन के आंतरिक साइट्स को चिकना डिसमिस्कलेस में उपयोग किए जाते हैं. ओके और थर्ड नंबर लिखा हुआ है डीमेल्यूसेट के रूप में पाचन नली एंड डायूरेटिक सूजन इन्फेक्शन में बहुत ही उपयोगी होते हैं. तो ये पेट से रिलेटेड कोई भी ज़्यादातर बीमारी हो या पेट में कब्जे बनी हो, पेट स्लो मोशन हो रहा हो, तो इस सब गोल को दही के साथ ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है. और इनके बीज देखिए, इनका बीज बावसीर पेंस के उपचार में इनका यूज़ किया जाता है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको, जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ पॉइंट रहेंगे उतने ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स को आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उन वर्ड्स को लिख सकते हैं. इस सब गोल के बीज सीड्स शरीर कमजोरी तथा किडनी में डायूरेटिक इन्फेक्शन को भी उपयोग में लाया जाता है. इस सब गोल को जब शरीर में कमजोरी होती है या किडनी के डायूरेटिक इन्फेक्शन में इनका यूज़ लिया जाता है. और इन अब नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, इनके केमिकल कांस्टेंट के बारे में बताना है. तो केमिकल कांस्टेंट में 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. सबसे पहला लिखा हुआ है, इस सब गोल में पाए जाने वाले मुख्य केमिकल अवयव मैसिलेज होता है, पेंटोसेन नामक हाइड्रोक्लोकोलाइज पॉलिस्ड कैराइड होते हैं. ओके और सेकंड नंबर पॉइंट लिखना है आपको, म्यूसिलीज वाटर से हाइड्रोलाइसिस होकर जाइलम तथा एर्बिनोस उत्पन्न करती हैं, ठीक है. और थर्ड नंबर पॉइंट में लिखना है, फिक्स्ड ऑयल अनस्ट्रेफाइड फैटी एसिड एंड बीटा साइटोस्टोल से मिलकर बना होता है. और फोर नंबर में क्या लिखा हुआ है, म्यूसिलेज से प्राप्त पॉली सैचुरेटेड को हाइड्रोलाइज एंड एर्बिनोस डी जेलेक्ट्रेमिक एसिड एंड एल रहमनोस. तो यहाँ पे आपको
क्लियर दिख गया होगा अब आपको, तथा डी ऑक्सी ऑक्सीलोज से प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको ये लाइन डिफिकल्ट लग रही हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 पॉइंट तो वैसे भी आपके हो जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, इस सब गोल में लिनोलिन एसिड बहुयात से प्राप्त होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं, ठीक है। और 6 पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोटीन एंड एमिनो अम्ल इसमें इसके केमिकल कांस्टेंट में इस सब गोल की रहते हैं। ओके तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके इस समय मैं आप सभी के रिप्लाई बहुत ही आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन डेट और वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा अभी कुछ टाइम बाद बिजी होने वाली हूँ, मेरा भी थोड़ा काम है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।